नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति मित्तल है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से बहुत यूनिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी क्राइसिस। ये कब आता है बच्चों में, कब चला जाता है, ये बड़ों में भी आता है और कब चला जाता है? आइडेंटिटी क्राइसिस होता क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस आता है, डेवलपमेंटल स्टेज होती है एक बच्चों की, जिसमें बच्चों को ये लगता है मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरी क्या वैल्यू है, मेरा क्या Why I came to this? मेरा क्या purpose है? Identity crisis is just a developmental stage. It is not a mental disorder. It is not any कि मेरे बच्चे में क्यों आया या मेरा बच्चा क्यों सफ़र हो रहा है या मेरा बच्चा ऐसा question क्यों पूछ रहा है। It is all about the stage. It is all about the एक development stage. जैसे कि बच्चों female से menstruation आता है तो उसमें hormonal problems होती है या hormonal चीज़ें होती है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट। आइडेंटिटी क्राइसिस जब आता है तो बच्चा एम्प्टी फील करता है, बच्चा अनमोटिवेटेड फील करता है, बच्चा इरिटेबल फील करता है, क्योंकि बच्चे के अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आते हैं, लाइक उसका मन नहीं लगना, वो डीमोटिवेटेड होता है, उसको गोल ओरिएंटेशंस नहीं होती, वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करता है, वो सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता रहता है अपने आप से, इसका कोई आंसर कोई Sometimes parents become so supportive that they help their child to come out from this. Sometimes parents are become fed up कि क्यों हो रहा है। ये बहुत सारे reasons होते हैं, बहुत सारे causes होते हैं, जैसे कि beginning of some new relationship, shifting from one place to another, or shifting of the schools, या कोई traumatic life events है, या कोई bad parenting है, या स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, या अपने आप को एक्सेप्टेंस की स्टेजेस होती हैं, ये सब कॉजेज होते हैं जब हम आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करते हैं। जब नए एरिया में जाते हैं या हम न्यू जगह शिफ्ट करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों के साथ डेवलप होना पड़ता है, हम एडजस्ट करना पड़ता है, दैट कॉज द आइडेंटिटी क्राइसिस। उसमें बच्चे की क्वेश्चनिंग बढ़ती है अपने आप से, या पेरेंट्स बहुत फाइटिंग वाले होते हैं, या बहुत ट्रोमैटिक इवेंट से बच्चा निकलता है, बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट से बच्चा निकलता है। बच्चे के लिए ट्रोमैटिक इवेंट कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बुलीड हो सकता है या फिर बच्चे के साथ एब्यूज़ हुआ है, दीज ऑल आर द ट्रोमैटिक इवेंट्स इन चिल्ड्रंस। इसमें आपको बच्चों को कुछ नहीं करना, आपको बच्चों को सिखाना है सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्नॉलेज कराना है, एक्सप्लोर कराना है अपनी फीलिंग्स को, अपने आप की हर एक फीलिंग्स को एक्नॉलेज कराना है, अपने आप में बिलीव करना है। अगर स्टिल यू आर सफरिंग, स्टिल कि आपके इमोशंस नहीं जा रहे, क्वेश्चनिंग बढ़ रही है, डिप्रेसिव सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, एनजाइटी सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, या आपने आउटिंग जाना बंद कर दिया है, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, एक्नॉलेज करिए वॉट एवर द फीलिंग्स का, ट्राई टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, Try to consider on your goal, explore your being, अपने interest को explore करिए, goal oriented बनिए, इसको ज़्यादा highlight मत करिए, इसको acceptance पे लाइए, but still you are suffering, still questioning आ रही है, emptiness आ रही है, तो get support, take support from outsiders, take a professional help, talk to your parents, do these things and I am telling you, you will come out from identity crisis. Right? Thank you. Take care.